यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब गोकशी करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, अब गोमांस खाने की छूट नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को खानपान की आजादी को लेकर कांग्रेस को निशाने पर रखा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर गोमांस खाने को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस मुस्लिमों को गोमांस खाने की छूट क्यों देना चाहती है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरः, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाइयों को, क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? योगी ने कहा इस देश का हिंदू गोमांस से परहेज करता है, गाय उसके लिए माँ के समान है, इसके बावजूद कांग्रेस मुसलमानों को इसकी छूट देने का प्रयास कर रही है। योगी ने साल 2020 में गोकशी पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए गए कानून का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में अब गोकशी आसान नहीं। साल 2020 में लागू उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 में तमाम प्रावधानों को और सख्त कर दिया गया है। इसमें गोकशी के मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं गोवंश के अंग भंग पर 7 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना, ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। सीएम योगी ने ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को घेरा, कहा कि ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे, ये लोकसभा चुनाव में अपनी हार तय देख रहे हैं, इसलिए ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। योगी ने कहा साल 2014 से ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों को यह भी बताना चाहिए कि क्या हिमाचल और कर्नाटक में बैलेट पेपर से कांग्रेस की सरकार बनी थी। साल 2004 में यूपीए की सरकार और साल 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या बैलेट पेपर से ही बनी थी।